सबसे पहले आपको PB6 1401 की पनीरी दिखा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई झंडा रोग नहीं आया अभी तक। स्वस्थ पनीरी खड़ी है बिल्कुल। हम मलयाला एग्रीकल्चर फार्म से बोल रहे हैं। हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि किसानों को इस पाटा विधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे धान फुटाव भी बहुत करता है और बीमारी भी कम आती है। 15 दिन से लेके 30 दिन के बीच में इस विधि का प्रयोग कर लेना चाहिए। आपकी फसल भी बढ़ेगी इससे और बीमारी भी कम आएगी। हम बलियाला एग्रीकल्चर फार्म से बोल रहे हैं। हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि किसानों को ये पाटा विधि यूज करनी चाहिए। इससे खेत में बीमारी भी कम लगती है और धान में फुटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इस विधि से काफ़ी बेनिफिट मिलता है किसानों को। अगर ऐसा करेंगे तो किसानों को बहुत फायदा होगा। ये देखो पटा विधि से सारे पेड़े हिल जाते हैं। पट्टा विधि को आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह रस्सी के थ्रू, और हर पेड़ा हिलता जाता है इससे। ऐसे करने से पेड़ा भी खूब मारेगा धान। और बीमारी भी कम आती है। अब हम आपको उषा की नई वैरायटी PB1728 दिखा रहे हैं। इसमें भी हमने पट्टा विधि यूज की है। इसमें भी आप देखोगे पोटाव बहुत हुआ है। इसमें भी उषा से ब्रीडर बीज लाए हैं ये हम। और इधर हम आपको नई वैरायटी PB1718 दिखा रहे हैं, जो 11-21 की इम्प्रूव है। इसमें अभी हमने पाटा विधि यूज़ करनी है। अभी इस वैरायटी में हमने पाटा विधि यूज़ नहीं की है। अब हम आपको वैरायटी PB1401 खा रहे हैं। इसमें भी हमने पट्टा विधि यूज की है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना फुटाव हुआ है। किसानों को पट्टा विधि जरूर यूज करनी चाहिए। इससे धान में बहुत फुटाव होता है और बीमारी भी कम आती है इससे। ना ही इसमें कोई झंडा रोग है और ना ही कोई किसी और तरह की बीमारी है अभी तक। अब हम आपको वैरायटी PB1637 दिखा रहे हैं। इसमें हमने पटा विधि यूज की थी। इसमें ना तो कोई बीमारी है
और ना ही कोई झंडा रोगे। पट्टा विधि करने से पेड़े में फुटाव बहुत आता है। बहुत फुटाव हुआ है इस स्थान में। पट्टा विधि को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह रस्सी के थ्रू, और हर पेड़ा हिलता जाता है इससे। ऐसे करने से पेड़ा भी खूब मारेगा धान। और बीमारी भी कम आती है। हम बलियाला एग्रीकल्चर फार्म से बोल रहे हैं। सबसे पहले हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि किसान को अपने खेत में हरी खाद लगानी चाहिए, जिसको ढेंचा भी बोलते हैं। ये लगाने से खेत में यूरिया कम डालनी पड़ेगी। अगर यूरिया कम डलेगी तो बीमारी कम आएगी। उसके बाद किसान धान लगाने के 15 से 30 दिन के बीच में पट्टा विधि का यूज़ कर सकते हैं। पट्टा विधि को यूज़ करने से आपके धान में फुटाव बहुत होएगा और बीमारी कम आएगी। अब हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी किसान नीचे सामान डालते हैं, सुपर डालें, DAP डालें, पोटाश डालें, कैल्शियम डालें, मैग्नीशियम डालें और लोहा जिंक डालें और जिंक डालें, कुछ भी डालें, वो खेती के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। वो अपनी ज़मीन के हिसाब से आप मिट्टी टेस्ट करवा के वो चीज़ें डाल सकते हैं। अब बात आती है दवाई पर। किसानों को सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना चाहिए, कोई भी स्प्रे करते समय किसान को ये हमेशा हरे और नीले निशान में स्प्रे करनी है। इस पे ये हरा निशान होगा या नीला निशान होगा, वही किसान को स्प्रे लेनी चाहिए मार्केट से। कंपनी चाहे कोई भी हो, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप हरे और नीले रंग के निशान में स्प्रे करें। इससे आपके धान की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और आगे चावल भी अच्छे रेट बिकेगा, एक्सपोर्ट में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे आपके सुंडी आती है तो आप ये कोराजिन की स्प्रे कर सकते हैं, फेम की स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इससे आपके सुंडी 1 महीना नहीं आएगी और कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है स्प्रे का। मच्छर, तेला, चेपा कुछ भी आता है, आपने ये टेक्निकल यूज करना है। और किसी तरह का कोई मच्छर, तेला, चेपा आपके खेत में नहीं आएगा। आप इसको हर स्प्रे में मिला सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ब्लास्ट की बात आती है तो किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, कोई भी टेक्निकल। अपने नज़दीकी पेस्टिसाइड्स वाले डॉक्टर होते हैं, उनसे पूछकर। और कोशिश यही करनी है कि आपने कोई भी फंगीसाइड करना है तो उस पर हरा या नीला निशान होना चाहिए। लाल निशान वाली आपने खेत में कोई भी स्प्रे नहीं करनी, हमेशा हरे और नीले निशान वाली करनी है। नीचे भी कोई सामान डालना है तो उस पर भी हरा और नीला निशान ही होना चाहिए। वो आपकी जमीन के लिए सबसे बढ़िया है। आपके मित्र कीट नहीं मरेंगे अगर आप हरे और नीले निशान में कुछ डालोगे। लाल निशान का कुछ भी डाल दोगे, आपके सारे खेत के मित्र कीट मर जाएंगे, उससे आपको खेती में कभी लाभ नहीं होगा। कोई भी सामान डालना है या कोई भी स्प्रे करनी है, कोशिश ये करो कि हरे और नीले निशान में ही स्प्रे करो। अब लास्ट में होपर की कंडीशन आती है तो आप उसमें अपलोड वगैरह कर सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो आप चेस कर सकते हैं, इन दोनों पे ही नीला निशान है, तो इससे आपका होपर का भी कंट्रोल रहेगा।
और स्प्रे का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसी स्प्रे हरे और नीले निशान में जो खेत में स्प्रे करते हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं करते।